आंगन आनंद, कमरे किससे, मकान जहां, घर अपना ग्वालों के इलाके में था। तो गाय भैंसे दूध और गोबर हमारे लिए वैसे ही थे जैसे सूरज चांद और तारे हर रोज देखने को मिलते थे। घर में अटैच टॉयलेट बाथरूम तो नहीं थे पर अटैच दिल जरूर थे सबके। पूरे मोहल्ले में पपीते का पेड़ केवल हमारे ही यहां था। भाई ये सिंह साहब का घर कहां होगा? वो सामने जो पपीते का पेड़ देख रहे हैं आप, वही उनका घर है। वैसे वो हमारा पेड़ था या बंदरों का डाइनिंग टेबल, ये आज भी रहस्य ही है। ठंड के समय 11 बजे के आसपास पेड़ के बगल वाली जगह काफी शानदार धूप आती और दादी बच्चों को वहां चारपाई बिछाने बोलती। नाश्ते के बाद उसी चारपाई पर बच्चों के साथ मिलकर वो मटर छीला करती थी। उन्हें खुशी मिलती या नहीं ये तो नहीं पता, पर हां उनका समय जरूर कट जाता था। इसी दौरान अगर कुछ छोटे मीठे दाने निकल आते तो हमें वो खाने को देती, ये बताते हुए कि मीठे दानों की पहचान क्या है, मानो कह रही हो कि जीवन में सुनहरे अवसर आएंगे, तुम्हें बस उन्हें पहचानना सीखना है और उनका सही इस्तेमाल करना। बाहर से इलाहाबादी अमरूद की आवाज आती और मां रसोई में टंगी चुन्नी लेकर दरवाजे की ओर तेजी से जाते हुए अमरूद वाले भैया को रोकने की कोशिश करती। मोल भाव करके वो अमरूद खरीद लाती, फिर उन्हें काट कर नमक लगाकर उन लोगों को दे देती जो मटर को छिलके से अलग करने के मिशन पर लगे हुए थे। कभी कभी मैं भी साथ बैठकर छिलके प्लास्टिक की टोकरी में डालता और दादी के कहे अनुसार घर के सामने खूंटे से बंधी गाय और उसके बछड़े को दे आता था। एक अनार सौ बीमार, ये कहावत हिंदी ग्रामर की किताब में तो कई बार पढ़ी पर इसका पहला उदाहरण अपने ही घर में देखने को मिला। नहीं नहीं, यहां अनार कोई लड़की नहीं बल्कि घर की इकलौती टीवी थी और बीमार हम सारे भाई बहन। उन दिनों रिमोट का हाथ में आना किसी युद्ध जीतने से कम नहीं था। रिमोट का मालिक कमरे से बाहर निकलते हुए रिमोट को अपने निकर की दाहिनी जेब में साथ लेकर जाता और उसी तरफ से भारी होकर जब जब निकर लटक जाती तब तब उसे ऊपर करता। दादी के लाख मना करने पर भी सोफे पर हर दिन कूद के बैठने से सोफे की गद्दियां साल भर में ही पतली हो जाती। आंगन में लुक्का छुपी खेलते हुए जो पर्दों के पीछे छुपता वो सबसे पहले पकड़ा जाता और क्रिकेट में उसे ही बॉलिंग दी जाती। लूडो में 6 नंबर आने पर और कैरम में रानी मिलने पर इतनी खुशी होती कि भूख प्यास का कोई ध्यान ही नहीं रहता। हर दिन नहाने के बाद पूजा करते हुए छत के गमलों में पानी देना और महीने दो महीने खाद का भी ध्यान रखना। अरे हाँ, बाबा दूध लेने भी तो जाते थे। मैं जब जब उनके साथ जाता ग्वालों को स्टील की बाल्टी में दूध निकालते और उनके ऊपर झाग बनते हुए देखना बहुत दिलचस्प था। हर चीज के लिए मम्मी पर डिपेंडेंट मत रहा करो। शाम को भूख लगने पर फ्रिज से दूध निकाल कर मलाई उतार कर चीनी डाल कर खुद खा लिया करो, बाबा कहा करते थे। वो मेरी साइकिल पर गेहूं की बोरी रख उसे पिसवाने ले जाते और जब लौट के आते तो दोनों ही भीगे होते, बाबा पसीने से और साइकिल आटे से। रसोई के साथ वाले कमरे में आटे की खाली टंकी पड़ी रहती जिसमें बोरी का गर्म आटा बाबा और मैं मिलकर डालते थे। फिर एक दिन मेरी प्यारी साइकिल ही चोरी हो गई। वही साइकिल जिसे मैं बाबा के स्कूटर के एकदम पास लगाता था और अक्सर चलाते वक्त उसके राइट हैंडल को एक्सेलरेटर समझ अपना हाथ यूं ही घुमा देता था। आटा बाजार से आता है और उसे टंकी में डालने वाली जोड़ी के दोनों लोग अब साथ नहीं रहते। पहले कॉलेज और अब जॉब, बाबा से साल में एक बार ही मुलाकात हो पाती है। मां बताती हैं कि बाबा के पीठ में दर्द रहता है आजकल और पहले की तरह पूरा आटा टंकी में नहीं डलता, काफी बाहर भी गिर जाता है। पैकेट वाले दूध में गाढ़ी मलाई कहां आती है? प्यास से मर चुकी हरे गमले की मिट्टी आज भी उन गमलों में दफन है और वो बूढ़े टूटे गमले छत के कोने में पड़े फिर से मिट्टी में मिलने का इंतजार कर रहे हैं। एक सेकंड, क्या मैंने कोई लूडो कैरम की बात कही थी क्या?
ये भी कोई खेल है क्या? हाँ, लुका छुपी हम भाई बहन आज भी खेलते हैं, पर छुपने की वजह अब बदल चुकी है और कोई भी किसी को ढूंढना नहीं चाहता। सोफे की गद्दियां सालों से मोटी ही हैं क्योंकि उन पर कूदने वाले सारे बच्चे अब बड़े शहरों में रहते हैं, और रिमोट घर में अब केवल एक ही बच्चे के पास रहता है, मेरे दादाजी। अच्छा, वो दादी और धूप वाले किस्से का पता है क्या हुआ? कुछ नहीं, बस पड़ोसियों ने अपनी दीवार ऊंची कर दी और पपीते के पेड़ के बगल वाली उस जगह में धूप, चारपाई, मटर, नमक वाले अमरूद या दादी कोई नहीं दिखे। जानते हैं क्या बच गया है अब? आनंद, सिर्फ आंगन। किससे? सिर्फ कमरे। जहां, सिर्फ एक मकान।